नमस्कार, मायसेल्फ डॉक्टर दीप्ति बिष्ट, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्य चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ प्राइवेट साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. इन टुडे सेशन फॉर क्लास फोर्थ ईयर बीएमएस, आई एम गोइंग टू टेक सेशन रिगार्डिंग हृदय रोग एंड हृदय शूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ हृदय. एज वी ऑल नो, अर्थे दश महामूला समा सप्ता महाफला, महत च अर्थम हृदय पर्याय उच्चते बुधे. अर्थात अर्थ महत हृदय आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. हृदय इज डिस्क्राइब्ड एज प्रायनेपल एंड इंक्लूडेड अमंग इन थ्री मेन मामास, प्रधान मन, बस्ती, हृदय और शिरम. नाउ हृदय एज अ स्थान ऑफ ओजस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हृदय इज डिस्क्राइब्ड एज सीट ऑफ ओजस, which is essence of all dhatus. Hriday is considered as seat of chitna, man and atma. Srotas, tatra pranvahanam srotasam hridayam moolam mahasrotasch, rasvahanam srotasam hridayam moolam dashamcha dhamyam. Acharya Charak stated that Hriday is the seat of rasvahasrotas and as well as pranvahasrotas, that is both circulatory system and respiratory system are under the governance of hriday according to Acharya Charak. Now dosh pradhanya in hriday, vyan vayu, which circulates all over the body, heart being its main location. It is responsible for controlling all the actions in the body like locomotion, flexion, extension types of movement. Another dosh pradhanya is sadhak pitta. Pitta that stays in hriday and regulates buddhi, medha and abhiman. So sadhak pitta resides in hriday. Third is avlambak kapha, location is hriday. Urastha sa prakasya sa viryata hriday sthanam, priyat tatastha evam ambokarmana kapha dhamna cha sheshana yat karoti avlambana. It helps the areas around shoulders, arms, neck and heart by giving strength. It supports remaining four types of cough in the body. So this was all about little introduction of heart. Now hriday rog. What is the niruktiya hriday rog? Hridayam badha prakurvanti hriday rogam tam prakshir tam prachakshute. Arthat jis bhi rog mein ya koi bhi rog jo hriday ke karya mein badha utpann kare use hriday rog ke antargat mana jata hai. या हृदय में होने वाले जितने भी विकार हैं उन्हें हृदय रोग माना जाता है. यदि हम निदान की बात करें, अति उष्ण गुरु अन्न कषाय तिक्त श्रम अभिघात अधिशन प्रसंगे संचित न वेग विधारणश्च हृदय आमय पंचविध प्रतिष्ठित. अर्थात अति उष्ण एवं रुक्ष अन्न का सेवन, कषाय रस का सेवन, विरुद्ध आसन, असात्म भोजन, अध्यसन करना, अति श्रम, चिंता, भय, त्रास, आधारणीय वेगों का धारण करना, तिक्त रस एवं असात्म अन्न का अति सेवन करना, गुरु अन्न का अति सेवन करना, रोगों का ठीक से उपचार न करना, शरीर का अतिकर्षण होना या शरीर पर अभिघात लगना, ये सभी कारण हृदय रोग के निदान माने गए हैं. इसके अतिरिक्त इनके विशिष्ट निदान अलग माने गए हैं, स्पेसिफिक निदान ऑफ सम एंड संप्राप्ति ऑफ वातिक हृदय रोग. पांच प्रकार के हृदय रोग बताए गए, जैसे आप सभी को पता है, वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक एवं प्रमेज. जितने भी पांच प्रकार के हृदय रोग हैं, वातिक हृदय रोग को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो इसकी सिम्टोमेटोलॉजी काफी हद तक इश्चेमिक हार्ट डिजीज से मिलती है. सामान्य संप्राप्ति देख लें, निदान सेवन से जो भी प्रधान दोष है प्रकोप होकर के अग्नि मानदे करता है. अग्नि मानदे होने से आम रस की उत्पत्ति होती है जिसके कारण साम रस धातु का निर्माण होने लगता है. यही साम रस धातु त्रिदोष का प्रकोप कर रस अनुगत होकर हृदय में प्रवेश करता है तथा
हाँ वैगुण्य होने पर रस व श्रोत मूल में आश्रित होकर हृदय में संग दुष्टि उत्पन्न करके हृदय कार्य में बाधा डालता है और हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। यह सामान्य संप्राप्ति हृदय रोग की बताई गई है। अब दोषों के अनुसार हृदय रोग के विशेष निदान एवं उनकी विशिष्ट संप्राप्ति वातिक हृदय रोग में देखें। तो वातिक हृदय रोग में जो निदान बताए गए हैं उसमें कहा गया है, शोक, उपवास, अत्यधिक व्यायाम तथा रुक्ष शुक्ष एवं अल्प भोजन से वातिक हृदय रोग उत्पन्न होता है। वात प्रधान आहारों के सेवन से वात दोष प्रकोपित होकर के रस आश्रित हृदय के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। श्रोत विघटन उत्पन्न होकर के उसमें संग उत्पन्न करके हृदय रोग उत्पन्न करता है जिसका विशेष लक्षण होता है रुझान। पैतृक हृदय रोग का जो निदान से प्राप्ति बताई गई है उसमें उष्ण अम्ल लवण रस क्षार कटु रस प्रधान आहारों का सेवन, अजीर्ण में भोजन करना, अत्यधिक मदिरापान, अधिक क्रोध एवं आतंक के सेवन से पैतृक दोष दोष प्रकोपित होकर हृदय पहुंचकर पैतृक हृदय रोग उत्पन्न करता है। कफ हृदय रोगों के निदानों में अति भोजन, गुरु स्निग्ध उष्ण पदार्थों का सेवन, अति अचिंतन, चेष्टा ना करना, अति स्वप्न, निद्रा लेना, यह प्रमुख कारण बताए गए हैं। इन सबके अति सेवन से कफ दोष प्रकोपित होकर हृदय में कफज हृदय रोग उत्पन्न करता है। सामान्य लक्षण यदि हम देखें, सामान्य लक्षण हृदय रोग के माने गए हैं, व्यवर्णीय मूर्छा, ज्वर, कास, इक्का, सास्य, वैरस्य, तृषा, प्रमोह, छर्दी, कफ, उत्क्लेश, रुजो, अरुचि, हृदरोगजा, स्योर, विविर्धास्था, अन्य, अर्थात अरुचि, एनोरेक्सिया, मुख वैरस्य, दैट मीन्स बिटर टेस्ट इन माउथ, कफ, उत्क्लेश, नोजिया, तृष्णा, श्वास, कास, उर्शूल, इक्का, छर्दी, ज्वर, कफ स्टीवन अर्थात प्रोडक्टिव कफ, विवर्णता मीन्स देयर मे बी पेलोर और देयर मे बी साइनोसिस, मूर्छा, प्रमोह इत्यादि सामान्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये सामान्य लक्षण बताए गए हृदय रोग के। उसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक या विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो वातिक हृदय रोग के जो विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं वो आचार्य ने बताए हैं। इसमें थीक्ष्ण जैसा शूल अर्थात आय मेयते मारुतजे हृदय तुद्यते तथा निर्मथ्यते दीपयते स्फोट्यते अर्थात खींचने के जैसा शूल स्ट्रेचिंग पेन, तोदवत पीड़ा सुई चुभने जैसा शूल प्रिकिंग पेन, निर्मथन वत पीड़ा अर्थात क्रशिंग टाइप ऑफ पेन, स्फोटन वत पीड़ा लाइक ब्रिकिंग पेन, स्फोटन वत पीड़ा टियरिंग पेन, ये सारे जो है वातिक हृदय रोग के जो विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लक्षण हैं उसमें ट्रेमर्स, क्रैम्प, स्टिफनेस, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, टैकीकार्डिया, पेन आफ्टर डाइजेशन, पैल्पिटेशन, वेस्टिंग, स्टबिंग पेन, ये सभी लक्षण इसमें बताए गए हैं। इनको स्तंभन, मूर्छा, वेष्टन, अतिवेदना, हृदय शून्यता, दर अर्थात हृदय से ध्वनि का निकलना, इसे आप मर्मर की ध्वनि से समझ सकते हैं, या बेपथु, इन सब लक्षणों में ये सारे सिम्टम्स जो है आ जाते हैं। अगर हम पैतृक हृदय रोग के लक्षणों की बात करें तो जिसमें स्पेसिफिक लक्षण बताए गए हैं वह है तृष्णा, ऊष्मा यानी फीलिंग ऑफ हॉटनेस, हृदय दाह, चोष, हृदयक्लम, धूमायन, मूर्छा, स्वेद, मुखशोष, ये सारे पैतृक हृदय रोग के लक्षण बताए गए हैं। उसके अतिरिक्त नेत्र दाह, संतरास, ताप वृद्धि, तिक्त अम्ल, उद्गार, ये सभी पित्त हृदय रोग के लक्षण बताए गए हैं। कफज हृदय रोग के लक्षणों में गौरव, कफ संस्राव अर्थात वमन में कफ का ज्यादा आना, अरुचि, स्तंभ, अग्निमांद,
मुख माधुर्यता, हृदय स्तब्धता, ज्वर, कास, तंद्रा, अरुचि, अश्मवत हृदय अर्थात फीलिंग ऑफ हैवीनेस अराउंड हार्ट रीजन, तीव्र अर्थ अर्थात फीलिंग ऑफ सीवियर डिस्कम्फर्ट, ये सारे कफज रोगों के स्पेसिफिक निदान बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पांचवा प्रकार क्रमिक हृदय रोग बताया गया है उसके जो कुछ लक्षण है, विशेष लक्षण वो है उत्क्लेश, स्थीवन मींस स्पूटम एक्सपेक्टोरेशन, तोद, शूल, खिल्लास, कम प्रवेश, अरुचि, श्याव नेत्रता, शोष, ये सभी क्रमिक हृदय रोगों के लक्षण है। इसके अतिरिक्त सुई के चुभने जैसी पीड़ा, छेदनवत पीड़ा, कंडू का होना, तोदवत पीड़ा, ये सभी क्रमिक हृदय रोग के लक्षण बताए हैं। लक्षणों के आधार पर जो क्रमिक हृदय रोग है उनकी तुलना हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय रोग चिकित्सा की। हृदय रोग चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं उनको हम दो स्टेप्स में कर सकते हैं। पहला है प्रिवेंटिव, दूसरा है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव अर्थात निदान परिवर्जन, जिसमें आचार्य चरक ने कुछ तरीके बताए हैं जिससे कि हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। सो टू प्रोटेक्ट द हार्ट महामूला सिरा एंड ऊर्जा, व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड अवॉइड ऑल दैट थिंग्स दैट कॉजेज अफ्लिक्शन टू द माइंड, अर्थात चिंता, शोक, भय, एंजाइटी, इस तरह की चीजों को ना करना। वन शुड रेगुलरली टेक द मेजर्स विच आर कंडक्टिव टू हार्ट एंड क्लींजिंग ऑफ सोर्सेस, अर्थात रसायनों का प्रयोग, मानसिक रसायनों का प्रयोग, शारीरिक रसायनों का प्रयोग इसमें बताया गया है। सोर्सेस प्रसाधन औषधि, ज्ञान अध्यात्म की चर्चा, ओजवर्धक औषधि, हृदय को बल देने के लिए महाकषाय में वर्णित हृदय औषधियों का प्रयोग, हितकर आहार विहार की व्यवस्था, पूर्ण विश्राम की व्यवस्था, ये सभी हृदय रोगों के प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है। अब वातिक हृदय रोग की चिकित्सा। वातिक हृदय रोग की चिकित्सा में हम सर्वप्रथम स्नेहन करते हैं, जिसमें खरकी आदि घृत या पुनर्नवादि तेल से स्नेहन कराया जाता है। तत्पश्चात दशमूल क्वाथ से घृत और सैंधव के साथ वमन कर्म करवाया जाता है। यदि वात अधिक है तो पुष्कर मूल, नींद, बिजौरा, नींबू, चुनची, करचूर, वच आदि का कषायपान कराया जाता है। गौमूत्र, कांजी, पंचलवण से सिद्ध तिल तेल का पान कराया जा सकता है। वातिक हृदय रोग की विशेष चिकित्सा में हम ये करवा सकते हैं। उसके अलावा यदि पैतृक हृदय रोग की चिकित्सा हमें करवानी है तो उसमें हमें शीतल द्रव्यों का लेप तथा परिशेचन क्रिया करानी चाहिए। आचार्य के अनुसार विरेचन कर्म कराना चाहिए, मृदु विरेचन तथा परुषक और द्राक्षक को मिश्र एवं जल के साथ पीसकर पान कराना चाहिए। कफज हृदय रोग की चिकित्सा की बात करें तो उसमें वज एवं नीम के कषाय से वमन कराएंगे। इसके अतिरिक्त स्वेदन कर्म एवं लंघन कर्म करवाएंगे, कफनाशक द्रव्यों का प्रयोग कराएंगे। कफज हृदय रोगों में शिलाजतु रसायन का कल्प विधि से प्रयोग बताया गया है। उसके अतिरिक्त चरण प्राश, अगत से हरित के लिए ब्रह्मी रसायन, आमल की रसायन का प्रयोग इसमें काफी माना गया है। क्रमिक हृदय रोगों की चिकित्सा में जो विशिष्ट चिकित्सा बताई आचार्यों ने उसमें स्नेह मिश्रित मांस, भात तथा दही के साथ तिल का चूर्ण 3 दिन तक लगातार सेवन कराना है। स्नेहन होने के पश्चात विरेचन कराना है तथा लंघन और पाचन द्वारा और साथ में क्रमिक औषधों के प्रयोग से क्रमिक हृदय रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। इस प्रकार यदि हम हृदय रोगों की चिकित्सा में देखें तो वातिक हृदय रोगों में खासकर स्नेहन एवं मृदु स्वेदन करें, मृदु वमन करें, शिरोधारा आदि उपक्रम करें। पैतृक हृदय रोगों में संशमन एवं संशोधन चिकित्सा में मृदु विरेचन, शीत अभियान करें। कफज में वमन कर्म, स्नेहन स्वेदन और लंघन कर्म का प्रयोग बताना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक योग हैं जैसे कि क्वाथ, पुष्कर मूल आदि क्वाथ, पंचकोल आदि क्वाथ, पिपल्यादि क्वाथ,
नागरकात एवं दशमोलकात, कल्प पुष्कर मूलादि कल्प तथ्यादि कल्प, चून पिपल्यादि चून पुष्कर मूलादि चून दाढ़ीमादि चून, हरित्यादि चून खूब आदि चून नागवला चून एवं अर्जुन चून, पुनर्नवादि तेल पंचलवण तेल एवं बला तेल, घृतों में वल्लाभक घृत हृदरोग श्वास और शूल में प्रयोग किया जाता है, स्वदस्त्र आदि घृत अर्जुन घृत तथा बाल आदि घृत, अरिष्ट में पाठ्यादि शीरपाक में अर्जुन शीरपाक, गौधूम अर्जुन लेह इसमें गौधूम अर्जुन चूम गोघृत तिल तेल एवं गुड़ का प्रयोग दुग्ध के साथ कराया जाता है, ये सभी तरह के हृदय रोगों में प्रयोग किया जाता है, गौधूम अर्जुन पाक का प्रयोग मधु शर्करा के साथ भी कराया जा सकता है, प्रभाकर वटी हृदय शूल पैल्पिटेशन और फिब्रिलेशन जैसे कंडीशन में काफी लाभकर होती है, इसके अतिरिक्त शंकर वटी जिसमें शुद्ध पारक गंधक लौह भस्म शतपुटी नाग भस्म पड़ा हुआ है यह रक्त प्रसारण एवं रक्त वृद्धि कर होती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है एवं रस रक्त आदि धातु पुष्टिकर मानी जाती है। रस औषधि में चिंतामणि रस किसी भी तरह के कार्डिक पल्मोनरी डिसऑर्डर में पैल्पिटेशन फिब्रिलेशन होने पर ब्रेथलेसनेस में कार्डिक हाइपरट्रॉफी का यूज होता है, इसके त्रिनेत्र रस नागार्जुनाग्र रस कृतार्णव रस पंचानन रस विश्वेश्वर रस कल्याण सुंदर रस ये कुछ रस औषधियां हैं। स्वर्ण भस्म मुक्ता पृष्टि अभ्रक भस्म श्रृंग भस्म ये हृदय रोगों में यूज होती है विशिष्ट रूप में, श्रृंग भस्म हृदय एवं लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और डिस्निया और ड्राई कफ जैसा शुष्कता एवं श्वास रोग में हेल्प करता है। संगेशव अकीक पृष्टि जहर मोहरा एवं कहवा पुष्टि ये कुछ अन्य रोग अन्य योग है जिनका स्पेसिफिक हृदय रोगों में दोषों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। लाक्षणिक चिकित्सा हृदय शूल की देखें तो उसमें सर्वप्रथम पूर्ण रूप से रोगी को आराम कराएं, फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट, मृग श्रृंग भस्म हनी के साथ साथ में जिंजर सरस मिलाकर टैबलेट जटामांसी ब्रह्मी वटी एवं सरस का प्रयोग करें, बृहद व चिंतामणि रस महालक्ष्मी विलास रस हेम गर्भ पुत्री रस तथा अश्वगंधा रस ये विशिष्ट चिकित्सा के योग है। पथ्यापथ्य पथ्यों में शाली मुख यवमास जंगल मरीचान्विता पटोलम पारवेलकम चपथ्यम उत्तम हृदय में अपथ्य तेल अमृत तक्र गुरु अन्न कषाय श्रम आतपम रोषम स्त्रीनम चिंता व भाष्यम हृदरोग सज्जे तो ये हृदय रोग के पथ्य अपथ्य भी बता दिए गए हैं। हृदय रोग की चिकित्सा इस प्रकार समाप्त होती है। अगले लेक्चर में कुछ नया टॉपिक हम लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।